hello students welcome to next episode of important question on circles here we are going to solve more questions that are really important for your board's exam so let's start the lecture with the motivational quote स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसको स्टार्ट करने से पहले आपने प्रीवियस एपिसोड में जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है बस इन दो कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट तो रेडियस जो है हम ड्रॉ करते हैं रेडियस इज पर टू टेंजेंट ये याद रखिए एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कहीं भी करेंगे और जहां भी करेंगे यू हैव टू मैंशन द रीज़न वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनीवेज़ आते हैं अपने क्वेश्चन पे साइड ए बी बी सी सी आर ऑफ़ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल जैसा कि फिगर में दिया हुआ है एक सर्कल को टच कर रहा है ठीक है ट्राइंगल्स uh, uh, की जो तीन साइड्स हैं वो सर्कल्स को टच कर रही हैं पी क्यू आर पे तो uh, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ बोला है और हमें ये दो कंडीशंस हैं ये प्रूव करनी है तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो देखें किस तरह से हम इसको कर सकते हैं तो हमें इसको करने के लिए अगर अच्छा है आप गिवन टू प्रूव में पहले ये लिख दें ठीक है गिवन तो जस्ट फाइन नहीं लिखेंगे तो चलेगा बट टू प्रूव में आप पहले एग्जाम जब पेपर में स्टार्ट करें तो टू प्रूव ये एंड ये, ये लिख दें अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पहले जो बातें मैं अपने कंसेप्ट का, यू, का यूज इन दो कंसेप्ट का यूज़ करके कर सकती हूँ पहले वो कर दूँगी तो इसका यूज़ तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा बट इसका यूज़ हम कर सकते हैं बिकॉज़ अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ तो ये मेरा दो टेंजेंट हो सकते हैं और ये ए पॉइंट मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो सकता है इस सर्कल के लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर ए पी इजिकल्स टू ए आर बोल सकती हूँ इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो मैं बोल सकती हूं बी क्यू इजिकल्स टू बी पी इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो मैं बोल सकती हूं सी आर इजिकल्स टू सी क्यू इतना नहीं छोड़ना है आपको सिर्फ लिख के यहां पे इन तीनों के साथ ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए तीनों का एक ही रीजन है क्या है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ इतना लिखना जरूरी है आपको ओके चलिए अब आते हैं जो हमें बातें प्रूफ करनी है उसमें तो फर्स्ट पार्ट जो मुझे प्रूफ करना है उसका मैं एल एच एस ले रही हूँ ए बी प्लस सी क्यू तो ए बी प्लस सी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ देखेंगे तो ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ देखिए फिगर में से ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए पी प्लस पी बी और सी क्यू को एज इट इज रहने देती हूँ अभी ए पी क्या है मेरा देखिए ये ए पी को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ ए आर से आप लिख सकते हैं यूजिंग uh, वन या फिर वन टू थ्री डाल के यूजिंग वन या यूजिंग इक्वेशन अबव या फिर यहाँ ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं ठीक है पी बी पी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ बी क्यू लिख सकती हूँ प्लस सी क्यू यह आ गया मेरे पास यहाँ पर अब देख सकते हैं हम यहाँ पर अच्छा सी क्यू को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं सी आर से तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग अबव इक्वेशंस ठीक है वो समझ जाएंगे एग्जामिनर लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए अब हम ए आर और सी आर को मैं लिख लेती हूँ एक साथ ए आर प्लस सी आर को क्योंकि मैं ऐड कर सकती हूँ ए आर प्लस सी आर फिगर में से देखिए जरा ए आर प्लस सी आर कैन बी रिटर्न एज ए सी प्लस बी क्यू तो ये मेरा क्या आ गया ए बी प्लस सी क्यू जो है वो ए सी प्लस बी क्यू के पास के इक्वल आ गया यही मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था इस तरह से करेंगे आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा यूजिंग द अबव इक्वेशन ऐसा लिख देंगे यहाँ पर रीजन्स में डायरेक्ट खाली रिप्लेस नहीं करके दिखला देना है कि पता ही नहीं चले चेक करते कि टाइम के हम क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखेंगे अभी देखिए सेकंड पार्ट में क्या मुझे प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो उसको मैं क्या लिख सकती हूं देखिए ए बी सी का एरिया यहां मैं तीन Uh, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकती हूँ ये तो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था अगर मैं यहाँ से और ये परपेंडिक ये ड्रॉ करूँ तो ये भी मेरा रेडियस होगा और ये भी मेरा रेडियस होगा राइट क्लियर है तो अब मैं यहाँ पर मैं तीन लाइंस और ड्रॉ ये रेडियस होगा मेरा मैं क्या कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन में आप कीजिए जॉइन ओ बी ओ एंड ओ सी क्या करना है आपको ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ये पार्ट आप नहीं तो कंस्ट्रक्शन में पहले ही लिख देंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ठीक है ज्वाइन हम कर रहे हैं ओ ए ओ बी ओ सी को हमने ज्वाइन किया अब एरिया ऑफ ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी राइट ए बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए सी इन तीनों का एरिया कम्बाइन करें तो मुझे एरिया ऑफ ए बी सी मिलेगा एरिया ऑफ ए क्या होगा मेरा एरिया ऑफ़ ए बी इज हाफ़ इंटू बेस इन हाइट तो देखिए ए ओ बी ट्राइंगल में देखेंगे बेस क्या है मेरा ए बी है और हाइट क्या है मेरा आर है राइट right? हाइट ये है और बेस ए बी है सिमिलरली बी ओ सी में हम देखेंगे तो हाफ क्या है मेरे पास देखिए ध्यान से आ, ए आ, ये बेस क्या है मेरा बी सी है और हाइट आर है और ए सी में हम देख सकते हैं बेस मेरा बेस मेरा ए सी है और हाइट जो है वो मेरा उसका भी आर है तो अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ हाफ आर कॉमन ले सकती हूँ तो देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ एरिया ऑफ ए बी सी इजिकल्स टू हाफ आर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी देख लीजिए ए ओ बी में बी ओ सी और ए ओ सी ठीक है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज वर्ड द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स को मैं क्या लिख सकती हूँ पैरीमीटर ऑफ ठीक है पैरीमीटर ऑफ ए बी सी लिख सकती हूँ राइट right? देख लीजिए सेकंड पार्ट मुझे यही प्रूव करना था एरिया ऑफ एबीसी बी सी इज इकल्स टू हाफ इंटू पैरीमीटर ऑफ एबीसी बी सी आर यहाँ पे ट्राइंगल लगा सकते हैं आप तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया और ये मेरी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये भी मेरी प्रूव हो गई चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इन सर्कल का मतलब है सर्कल जो कि हमारा ट्राइंगल के अंदर होगा तो पहले इसका फिगर बनाते हैं ये मेरे पास ये मेरा सर्कल है इन सर्कल ड्रॉ किया मैंने इसका मैंने ये सेंटर ड्रॉ किया ठीक है ए बी सी ट्राइंगल है मैंने एक इन सर्कल ड्रॉ किया सर्कम सर्कल मतलब जो ट्राइंगल के बाहर हो सर्कम सर्कल अच्छा आ, इसका रेडियस फोर सेंटीमीटर है सेंटर और ये रेडियस जो है फोर सेंटीमीटर बोला है एंड द सेगमेंट इनटू टू वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ हमारा ये है हमारा अगर ये देखे तो ये सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर uh, में इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया था तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक साइड उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कैसे डिवाइड कर रही है एट सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर पे डिवाइड हो रही है तो हमें अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है यानी कोई भी साइड ले सकते थे आप जरूरी नीचे ए भी लेते तो वो ए भी मेरी सिक्स और एट पे हो जाता क्योंकि ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन सी साइड ठीक है आ, तो जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डिवाइड हो रहा है एट सेंट वो साइड एट सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर में डिवाइड हो रहा है इट मीन्स मेरा जो ये है BC है वो मेरा कितना है सिक्स सेंटीमीटर प्लस एट सेंटीमीटर टोटल लेंथ उसकी ये है अब हम स्टार्ट करेंगे मुझे AB की लेंथ और AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी हमारा कुछ दिया नहीं है इस पॉइंट को हम पी ठीक है या फिर AB के साथ P P Q और R इस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं इन पॉइंट्स को ठीक है अच्छा बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम अपने आप फिगर में उसको करते जाएंगे अब देखिए अगर मैं लेट करती हूँ यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ बी आ, बी क्यू जो है मेरा बी क्यू इक्वल होगा बी क्यू इक्वल होगा बोलिए बी पी बी के इक्वल होगा या फिर बी पी के इक्वल होगा राइट ऐसा लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल होगा सी क्यू सी आर के इक्वल होगा और ए पी किसके इक्वल होगा ए आर के इक्वल होगा पहले तो ये आपको पता है क्यों होगा और रीजन हम वही लेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू सर्कल आर इक्वल इन इक्वल इन लेंथ ये लिखना जरूरी है राइट ये ध्यान रखिएगा तो हमारा ये देखिए बी क्यू सिक्स है तो ये बी पी भी हमारा सिक्स हो जाएगा ये एट है तो ये भी एट हो जाएगा और ये दोनों इक्वल है तो अगर मुझे इसे एक्स कंसीडर कर लूँ तो ये भी मेरा एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई दिस स्टेटमेंट राइट अब मुझे क्या करना है आ, मुझे इसका साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मैं क्या लूँगी इसमें इसका एरिया का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं तो देखिए मैं कैसे कर सकती हूँ इसका एरिया का कंसेप्ट यूज़ एरिया में कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ इसका देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी मेरे पास क्या होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके तो अब यहाँ पे मैं हिरोस फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने जा रही हूँ तो ए बी सी क्या होते हैं इसमें हमारे साइड्स होते हैं तो साइड्स मेरे पास क्या है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ए मेरे पास जो है अगर इस साइड को बोल रही हूँ तो एक्स प्लस सिक्स है बी मेरे पास एक्स प्लस एट है और सी है जो है मेरा सिक्स प्लस एट विच इज़ फोर्टीन सेंटीमीटर तो ये मेरे पास तीनों साइड्स हैं तो एस मेरा ए प्लस बी प्लस सी होगा तो एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट प्लस फोर्टीन अपॉन टू ये हो जाएगा मेरा पास तो ये मेरा ऐड करूंगी लाइट टर्म्स को एक्स प्लस एक्स टू एक्स और ये मेरा सिक्स प्लस एट फोर्टीन प्लस फोरटीन ट्वेंटी एट बाई टू अगर मैं इसमें से टू कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन तो एस मेरे पास आ गया एस एस जो आ गया मेरा वो कितना आ गया देखिए ध्यान से एस प्लस फोटीन तो x प्लस फोर्टीन यहाँ पे मैं s इसकी जगह x प्लस फोर्टीन माइनस ए करूँगी ए जो है x प्लस सिक्स है लेकिन माइनस में ओपन करूँगी तो ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन माइनस एक्स माइनस एट हो जाएगा समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम s और b की वैल्यू सब कर रहे हैं s माइनस बी एस माइनस सॉरी एस माइनस ए ए मैंने एक्स प्लस सिक्स को कंसिडर किया ये सब आपको मैंशन करना पड़ेगा और एस माइनस सी एस क्या है एक्स प्लस फोर्टीन माइनस फोर्टीन राइट क्योंकि सी मेरा डायरेक्ट फोर्टीन है तो यहाँ मेरा एरिया इन शॉर्ट क्या आ जाएगा देखिए एक्स प्लस फोरटीन ये मेरे पास एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ मुझे मिलेगा एट यहाँ ये एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ मुझे मिलेगा सिक्स और यहाँ पे तो फोर्टीन कैंसिल हो गया यहाँ पे मुझे मिला सिर्फ क्या एक्स मिलेगा राइट तो यानी एरिया मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे अंडर रूट में एक्स ठीक है एक्स प्लस फोर्टीन इंटू एट इंटू सिक्स ये मुझे मिला है अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं एक और वे से निकाल सकती हूँ जो कि अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो उसके लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल बनाया था ज्वाइन करके ठीक है इसको ओ को ए से ओ को बी से ओ को सी से ये ज्वाइन किया हमने और रेडियस जो है वो मैं आपको यहाँ से ऐसे मेंशन कर देती हूँ ये रेडियस हो गया तो ये भी फ़ोर होगा ठीक है ये फोर होगा ये भी फोर सेंटीमीटर ही होगा ठीक है तो हम एरिया ऑफ़ ट्राइंगल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी राइट ये हो गया मेरा अब देखिए हाफ ऑफ ए ओ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ हाफ बेस इनटू हाइट यानी हाफ अच्छा मैंने हाफ जो है यहाँ हाफ नहीं आया रहेगा रहे मेरा ठीक है तो मैं एरिया ऑफ़ ए बी सी को क्या लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए बी प्लस एरिया ऑफ़ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी ठीक है अब एरिया ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए बी ए भी मेरा बेस है विच इज़ एक्स प्लस सिक्स और हाइट क्या है मेरा इसका फ़ोर प्लस हाफ़ इंटू बेस इंटू हाइट बी ओ सी करेंगे तो बेस फोर्टीन है हाइट मेरा उसका कितना है हाइट इसका मेरा फोर सब का हाइट मेरा फोर है और हाफ़ इंटू बेस इंटू हाइट तो एक्स प्लस सिक्स है और हाइट जो है मेरा वो कितना है हाइट इज़ फोर ठीक है यहाँ मैंने हाफ लिख दिया था पहले ए बी सी को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी में स्प्लिट कर सकती हूँ हाफ़ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट हाफ़ बेस इंटू हाइट लिखा मैंने अब मैं यहाँ पर से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ हाफ इनटू फोर तो एटलीस्ट कॉमन निकाल सकती हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा एक्स प्लस सिक्स प्लस यहाँ पे फोर्टीन हो गया मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा एक्स प्लस अच्छा ए ओ बी में एक्स प्लस सिक्स है बी ओ सी में यहाँ पर एक्स प्लस एट होगा मेरा राइट right? क्योंकि ए सी जब मैं करूँगी तो वो एक्स प्लस एट होगा तो यहाँ पे मेरा एक्स बचेगा ठीक है एक्स uh, uh, यहाँ पे मेरा मैंने हाफ इंटू फोर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स रहेगा मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ फोर्टीन बचेगा क्योंकि मैंने हाफ इंटू फोर कॉमन ले लिया है और यहाँ हाफ इंटू फोर कॉमन लिया है तो एक्स प्लस एट सिर्फ बचेगा देखिए यहाँ पे ना आप एक स्पेशल ट्रिक यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है ना तो आप एरिया ऑफ ए क्या हमने प्रूव किया था हाफ इंटू आर इन् टू डायमीटर ऑफ ट्राइंगल यही सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था ना तो आप एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो आप दो स्टेप्स आपका बच जाएगा राइट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ही तो है ये ए बी सी तीनों साइड्स का सम है तो ये मेरे पास टू हो गया यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा फोर्टीन और फोटीन ट्वेंटी एट तो टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट हो गया मेरा यहाँ पे यहाँ से मैं टू कॉमन ले सकती हूँ तो ये फोर हो जाएगा और एक्स प्लस फोर्टीन हो जाएगा अब यहाँ पर आपकी होती है ट्रिक स्टार्ट ठीक है अगर आप एक ट्रिक्स के साथ इसको नहीं करेंगे कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी आपकी तो कैसे करना है आप देखिए देखिए मैंने ये क्या निकाला दिस इज माई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज ऑल्सो माई एरिया ऑफ़ ट्राइंगल मतलब ठीक है क्या मैं इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल का एलेचेस दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ तो चलिए आइए दोनों एरिया ऑफ ट्राएंगल को इक्वेट कर देते हैं इक्वल कर देते हैं कैसे इक्वल करेंगे एक्स प्लस फोर्टीन इंटू एट इंटू सिक्स इंटू एक्स इसको मैं अभी इंटू नहीं कर रही हूँ और ये फोर है मेरे पास और एक्स प्लस फोरटीन ठीक है दोनों एरियाज़ को मैंने इक्वल कर दिया अब देखिए मैं यहाँ पे लेती हूँ स्क्वारिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग लेने पे मेरा एक्स प्लस फोरटीन और एट इंटू सिक्स इन एक्स रहेगा और ये स्क्वाइरिंग करेंगे तो एक्स प्लस फोर्टीन स्क्वायर हो जाएगा अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ मैं एक एक्स प्लस फोर्टीन कैंसिल कर सकती हूँ राइट और यहाँ पे मैं एट और सिक्सटीन को भी कैंसिल कर सकती हूँ तो यहाँ पे मैं एट और सिक्सटीन को कैंसिल करूँगी तो क्या हो जाएगा एट इन टू सिक्स एक्स लिख देते हैं ठीक है या फिर एट को उसके साथ आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए ये सिक्स एक्स है सिक्सटीन एक्स प्लस फोर्टीन ठीक है कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ एट को मैं डिनोमिनेटर में ले गई तो ये टू हो गया ठीक है और टू को भी मैं इससे कैंसिल कर सकती हूँ ठीक है सिक्स एक्स इजिकल्स टू टू एक्स प्लस फोर्टीन टू को भी मैं इसके साथ कैंसिल कर सकती हूँ तो ये मेरा थ्री एक्स हो जाएगा ठीक है तो अब इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई मेरी सेवन x आ गया मेरा सेवन मुझे ए बी और ए सी साइड निकालनी थी ए बी साइड आ जाएगी मेरी अब ए बी साइड क्या है मेरी एक्स प्लस सिक्स दैट इज सेवन प्लस सिक्स तो ये कितना हो जाएगा मेरा थर्टीन सेंटीमीटर हो जाएगा एंड मुझे क्या निकालना था साथ में ए सी की लेंथ निकालनी थी विच इज़ एक्स प्लस एट तो सेवन प्लस एट तो फिफ्टीन सेंटीमीटर तो हम लिख सकते हैं द अदर टू लेंथ आर थर्टीन सेंटीमीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर सो विथ दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग द लेक्चर See you in next episode till then keep practicing